नमस्कार, मैं प्रिया। बिहार की 25 खबरों में आपका स्वागत है। हमसफर एक्सप्रेस से भागलपुर दिल्ली का सफर होगा आसान। भागलपुर से दिल्ली जाने वाली सभी यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। भागलपुर जिले में जल्द ही हमसफर एक्सप्रेस की शुरुआत होने जा रही है। हमसफर एक्सप्रेस की सेवा यात्रियों को 7 दिन मिलेगी। भाजपा नेता का नीतीश कुमार को सलाह। बिहार भाजपा नेता संजय पासवान ने नीतीश कुमार पर एक बड़ा बयान दिया है। संजय पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार अब बिहार के मॉडल नहीं रहे, अब लोग मोदी को देखकर वोट देते हैं। 15 सालों से शासन कर रहे नीतीश कुमार को अब केंद्र की राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन। अब समस्तीपुर खगड़िया रास्ते पर इलेक्ट्रिक इंजनों से चलने वाली ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली ट्रेन समस्तीपुर से सहरसा के लिए परिचालित होने वाली ट्रेन संख्या 55566 मालगाड़ी का शुभारंभ किया गया है। भाजपा नेता संजय पासवान के बयान पर जदयू का जवाब। संजय पासवान के नीतीश कुमार को बिहार राजनीति छोड़ केंद्र राजनीति में जाने के बयान पर जदयू ने पलटवार करते हुए कहा है कि पार्टी को किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। नीतीश को बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। बोधगया, राजगीर और वैशाली बनेंगे बौद्ध सर्किट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जहां बोधगया को देश का विकसित पर्यटक स्थल बनाने का काम सरकार कर रही है, वैसे ही राजगीर और वैशाली को भी बोधगया के साथ जोड़कर बौद्ध सर्किट बनाया जाएगा। त्योहारों में पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन 4 अक्टूबर से। त्योहारों के मौसम में ट्रेनों में बढ़ते भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल तक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के समय पर चलाई जाएगी। तेजस्वी ने कसा नीतीश कुमार पर तंज। राजद प्रमुख तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर संजय पासवान के दिए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है कि क्या सीएम भाजपाइयों की बात का खंडन करने का मादा नहीं रखते? क्या यह सच नहीं है कि आदरणीय नीतीश जी ने मोदी जी के नाम पर वोट मांगकर अपना घोषणा पत्र जारी किए बिना ही बीजेपी के घोषणा पत्र पर 16 एमपी बना लिए? क्या यह यथार्थ नहीं है कि हर एक बिल पर वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, फिर वो अलग कैसे? सुशील कुमार मोदी गांधी परिवार को खुद के इतिहास का वर्णन करने की सलाह दी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मोदी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पूरे होने पर गांधी परिवार के किए गए टिप्पणियों पर जवाब देते हुए ट्वीट किया कि गांधी परिवार को सरकार की हर उपलब्धियों को सिरे से नकारने से पहले अपने इतिहास खंगाल के देखने की आवश्यकता है। जहानाबाद के सनोज राज बन सकते हैं केबीसी में करोड़पति। सोनी टीवी का मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति में जहानाबाद के सनोज राज बन सकते हैं करोड़पति। सनोज राज आईपीएस बनना चाहते हैं। सनोज का सपना पूरा होता है या नहीं, यह 12 नवंबर को पता चल जाएगा। बिहार राजनीति में चेहरे को लेकर छिड़ी बहस। बिहार राजनीति में एक बार फिर जदयू और बीजेपी के बीच खींचतान शुरू हो गई है। जहां एक ओर बीजेपी का दावा है कि सरकार को वोट मोदी के चेहरे पर मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर जदयू ने इस बात को सिरे से नकारते हुए कहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बिहार को 40 में से 39 सीट एनडीए की झोली में डाली है। बिहार एसटीईटी के लिए शुरू हुए आवेदन। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन बिहार बोर्ड वेबसाइट www.bseb.steet2019.in पर कर सकते हैं। अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं के लिए 18 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस साल मनाया जाएगा प्लास्टिक मुक्त दिवाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के तहत नरेंद्र मोदी ने प्लास्टिक मुक्त भारत का आह्वान किया है। इसी बीच बिहार सरकार ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के कदम से कदम मिलाने का फैसला किया है। बिहार अब प्लास्टिक मुक्त दिवाली मनाने की तैयारियों में जुट गया है। अब प्लास्टिक की बोतल में नहीं मिलेगा कोका कोला, पेप्सी और पानी। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने प्लास्टिक बोतल से निजात पाने हेतु कोका कोला, पेप्सी और पानी बेचने वाली फैक्ट्रियों को 3 दिनों के अंदर पैकेजिंग की वैकल्पिक सामग्री का सुझाव देने को कहा है। भारत को प्लास्टिक मुक्त देश बनाने की मुहिम में यह कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में मिथिला पेंटिंग्स मचा रही धूम। देश की राजधानी दिल्ली में लिखिया नामक एक प्रदर्शनी में बेचे जा रहे मिथिला पेंटिंग्स के नए नए आर्ट्स काफी चर्चा में हैं। मानसिंह रोड स्थित इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स की ट्विन आर्ट गैलरी में लगी प्रदर्शनी में इन पेंटिंग्स को देखने व खरीदने के लिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियां समेत काफी भीड़ उमड़ रही है। उज्ज्वला योजना में बिहार का चौथा स्थान। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए जा रहे मुफ्त गैस कनेक्शन की लिस्ट में बिहार चौथे स्थान पर है। 31 अगस्त तक बिहार में 85.27 लाख एलपीजी कनेक्शन गरीब परिवारों को दिए गए हैं। छठ के बाद जल जीवन हरियाली अभियान का जायजा लेंगे नीतीश कुमार। राज्य भर की सभी पंचायतों में 2 अक्टूबर से एक साथ जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की जाएगी। राज्य की सभी 8000 पंचायतों में अभियान से जुड़ी किसी न किसी योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर से की जाएगी। बिहार में 5 सीटों पर होंगे विधानसभा चुनाव।
हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में खाली हुए 5 सीटों पर राजनीति फिर शुरू हो गई है। जहां एक ओर राजद और कांग्रेस ने 3-3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, वहीं हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने एक सीट पर लड़ने का फैसला लिया है। जल शक्ति अभियान में गया तीसरे स्थान पर। जल शक्ति मंत्रालय के प्रारंभिक रैंकिंग के अनुसार तेलंगाना का महबूब नगर तीसरे पायदान पर है, झारखंड का धनबाद दूसरे स्थान पर और गया पहले पायदान पर है। अभियान में कामयाब जिलों की आखिरी लिस्ट 15 सितंबर को आएगी। जदयू कार्यकर्ताओं ने किया शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत। अरवल के मोठा पुल के समीप राज्य शिक्षा मंत्री कृष्णानंद वर्मा का जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पाटिल के उपस्थिति में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री को बुके दिया गया और मंत्री के समर्थन में नारे भी लगे। बिहार में चेहरे की चल रही राजनीति पर बोले सीपी ठाकुर। भाजपा के समर्थन में उतरे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने कहा है कि मोदी का कद नीतीश से बहुत बड़ा है, इसीलिए आगामी चुनाव में मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने में समझदारी है। कांग्रेस नींद से जागी, हुई सख्त। कांग्रेस की बैठक समितियों से गायब रहने वाले विधायकों को बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सख्ती से यह कहा है कि जिसे भी पार्टी में रहते हुए काम नहीं करना वो फौरन इस्तीफा सौंपे। बिहार क्रिकेट संघ चुनाव के लिए सीओए समिति की नियुक्ति। क्रिकेट मामलों की देखरेख और ताजा चुनाव करवाने के लिए बीसीसीआई प्रशासकों की समिति ने सीओए की नियुक्ति की है। इस मुद्दे पर सोच विचार के बाद विनोद राय की अध्यक्षता वाली टीम ने फैसला लिया है। 314 करोड़ की राशि में चमके पटना के घाट। नमामि गंगे योजना के तहत केंद्र सरकार ने पटना के सभी घाटों को चमका दिया है। पर्यटन को बढ़ावा देने और उद्योग जगत में बढ़ोतरी के लिए यह कदम उठाया गया है। साथ ही साथ गंगा घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी केंद्र बनाया गया है। चलती ट्रेन की सफाई व्यवस्था की होगी ऑनलाइन निगरानी। अब सफाईकर्मी ट्रेन की साफ सफाई को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बायोमेट्रिक ऑनलाइन व्यवस्था के तहत अब ट्रेनों की सफाई से लेकर सफाईकर्मियों की उपस्थिति सब पर नजर रखी जाएगी। नीतीश की झारखंड नीति में आरक्षण मुद्दा अहम। जदयू ने झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि राज्य में 83% जल्द से जल्द आरक्षण लागू किया जाए। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जदयू झारखंड में आरक्षण व्यवस्था में सुधार लाना चाहती है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बाकी सारी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।